एक किस्म से महामारी के संकट के समय क्या कहेंगे? ये टैक्स का समय नहीं है। आज पूरे विश्व में महामारी, हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं है। लोग 40-42 दिन से अपना काम बंद करके बैठे हैं, मजदूर मजदूरी बंद करके बैठे हैं, दुकान बंद करके बैठे हैं, ऑटो वाला ऑटो रिक्शा बंद करके बैठा है। ब्राह्मण हमारे जो पंडताई करके अपने पेट पालते थे, आज वो मंदिर बंद करके बैठे हैं, गुरुद्वारे बंद करके बैठे, सारी चीज बंद है। लोगों के पास पैसा है नहीं। ऐसे समय में बसों के किराए बढ़ाना, ऐसे समय में डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाना, ऐसे समय में सब्जी के ऊपर टैक्स लगाना बहुत ही गलत है। और सरकार को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। चाहिए तो ये था कि लोगों को राहत देते, कोई पैकेज देते। ऐसा फैसला लेके सरकार ने बिल्कुल गलत काम किया। और मैं तो कहूँगा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे समय में, संकट के समय में तो कोई भी नहीं कहता कि मेरे घर में कुछ नहीं है, और ऐसे समय में कहता है मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं टैक्स लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही गलत फैसला है। तो एक ही दूसरा विवाद जो चल रहा है खट्टर वर्सेस सुरजेवाला, सुरजेवाला जी खट्टर साहब खुद सुरजेवाला पे आरोप लगा रहे हैं, सुरजेवाला जी खट्टर जी पे कह रहे हैं। देखिए, कोरोना के समय कांग्रेस पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर देश और प्रदेश की सरकार के साथ है। हमेशा हर फैसले को हमने उनके माना है, परंतु जहां तक लोगों की आवाज है उसको उठाना विपक्ष का फर्ज है। रणदीप सुरजेवाला जी ने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात की निंदा की थी कि आपने इस समय में टैक्स बढ़ाया, तो मुख्यमंत्री को उनकी सलाह माननी चाहिए थी, ना कि उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि तुमने इतनी पेंशन लेते हो, तुम्हें लेते हैं। अगर कोई पेंशन लेता है, एमएलए भत्ते लेता है, तो हरियाणा सरकार इन्हीं इस देश के कानून जो बने उसके तहत लेते हैं। और अगर इनको इतनी दिक्कत है कि कोई पेंशन पूर्व विधायक लेता है या कोई लेता है, तो सारों की बंद कर देना, देश में बंद करा दें, सारा कोरोना रिलीफ में दे दें, सारी की सारी दे दें, हमें क्या दिक्कत। परंतु इस प्रकार से अगर अच्छे सुझाव को मानने पर मुख्यमंत्री को की जाती है, तो ये अच्छे राजा के लक्षण नहीं है। प्रजातंत्र में जो राजा है वो लोग चुनते हैं, और लोग ही लोगों की बात मनवाते हैं, लोगों की बात जो नहीं मानता फिर लोग उसे बदलना भी जानते हैं। दूसरा, 42 दिन बाद धीरे धीरे पटरी पर लौटा है जीवन अपना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो आपकी नज़र में क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात है, आज 42 दिन के बाद लॉकडाउन 3 के अंदर लोगों को दुकानें खोलने की छूट मिली है, और लोग आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोगों ने बहुत नुकसान उठाया, परंतु देश के लिए नुकसान भी हमारे देश के लोग उठाते हैं, परंतु आज का जो निर्णय खोलने का, मैं इसको ठीक मानता हूँ। सरकार को एक फैसला और लेना चाहिए, जो आप बता रहे थे कि जो बाहर जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत पहले लेना चाहिए था। जिस समय लॉकडाउन पार्ट 1 की घोषणा की थी, अगर उसके 3 दिन पहले ये कह दिया जाता कि आप 3 दिन बाद हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, 22 मार्च को मुझे याद है जनता कर्फ्यू था, और देश के लोगों ने बड़ा स्वागत किया था उस बात को। अगर उसी दिन घोषणा कर देते कि 25 से लॉकडाउन है, तो जो लोग आज स्टूडेंट फंसे हुए थे, जो आज हमारे मजदूर भाई फंसे हुए थे, या किसी के घर के लोग फंसे हुए थे, वो अपने घर में वापस आ जाते, और ना ये नंदेड़ साहब वाली घटना घटती, ना मरकज वाली घटना घटती, और ना और घटना घटती। आज जो ये घटना घटी है, ये यही नतीजा है कि लोगों को टाइम नहीं मिला, लोग अपने घरों में रहे, इस वजह से।